नमस्ते इंडिया, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सारे दर्शकों का ऑटो पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आप लोग का होस्ट राहुल और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं एक्सक्लूसिवली, जी हां एक्सक्लूसिवली, द न्यूली लॉन्च ह्यूंडई ग्रैंडेट एंड नियोस फेसलिफ्ट मॉडल का रिव्यू। अब देखिए, इस गाड़ी को आए हुए करीब करीब 2 से 3 हफ्ते हो चुके हैं और बहुत सारे जो YouTube पे कंटेंट क्रिएटर्स है, स्पेशली फ्रॉम द ऑटोमोबाइल कैटेगरी, उन सब ने वीडियोस बना दिए इस गाड़ी के बारे में। लेकिन मेरा अपना क्या नज़रिया है इस गाड़ी को लेके, और मैं पहले भी, मतलब 2-3 साल पहले भी इस गाड़ी के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, जब नियोस मॉडल आया था इन इंडिया। सो देखते हैं अब फेसलिफ्ट मॉडल में क्या कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे और क्या वो वैलिड चेंजेस हैं और जिस हिसाब से प्राइसिंग में भी इंक्रीमेंट किया गया है ऑफ दिस पर्टिकुलर हैचबैक, जो कि ह्यूंडई की अभी तक की एकमात्र गाड़ी है इन द हैचबैक सेगमेंट। इसके आगे अब कोई गाड़ी है नहीं। सेंट्रो थी, बंद हो गई, ईऑन थी, वो बंद हो गई। सो यही एक गाड़ी है अब, खैर जो नॉर्मल रेगुलर हैचबैक्स में। सो देखते हैं क्या ये वैल्यू फॉर मनी है अब या नहीं, और सेफ्टी में क्या कुछ इंप्लीमेंट किया गया है इन दिस न्यू ह्यूंडई ग्रैंडेट एंड नियोस। सब कुछ जानते हैं इन डिटेल, बट यू मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए ऑन इंस्टाग्राम। तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए पहले, उसके बाद वीडियो पूरा देखिए। कैसे ऐसे देख लीजिए, अभी ऐसे आएगा। तो चलिए बाकी बातें करते हैं, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो सेशन और बात करते हैं इन डिटेल अबाउट द न्यूली लॉन्च ह्यूंडई ग्रैंडेट एंड नियोस फेसलिफ्ट के बारे में। मतलब कि इसका फेसलिफ्ट अवतार आया करीब करीब 3 साल के बाद, 3-3.5 साल के बाद आ रहा है। सो क्या कुछ चेंजेस है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ पहले से फटाफट, क्योंकि बाद में फिर हम इस गाड़ी के बारे में बात करेंगे कि इसको क्यों खरीदना चाहिए, क्यों नहीं। तो फीचर्स के मामले में बेसिकली अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसके जो ऑफिशियल टीवीसी शूट का जो वीडियो है वो मैंने प्ले कर रखा है, तो उससे आपको आइडिया लगेगा। नया एक ग्रिल आपको देखने को मिलेगा इन द फ्रंट एंड डिज़ाइन में। रियर में आपको एक्सटेंडेड टेल लाइट्स देखने को मिलेगा, जो कि जो आजकल सिग्नेचर टेल लाइट डिज़ाइन अब ह्यूंडई ने अडॉप्ट कर लिया है अपनी हर एक गाड़ियों में, वो सारी चीज़ें अब इंट्रोड्यूस कर दी जा रही है। ठीक है, गाड़ी में आपको 4 एयरबैग्स, यस 4 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड कर दिया गया है फॉर द सेफ्टी पर्पजेज, और 6 एयरबैग्स मिलते हैं आई थिंक स्पोर्ट्स एंड एस्टा मॉडल में। टॉप 2 मॉडल्स में आपको 6 एयरबैग्स देखने को मिलेगा, क्योंकि सेफ्टी में इम्प्रूव काफ़ी हुआ है। पहले इतना कुछ अच्छा नहीं था इसका सेफ्टी रेटिंग, ना ही सेफ्टी इतनी कोई खास है, 2-स्टार रेटिंग लेके आई थी इन द ग्लोबल इनकैप क्रैशटेस्ट रेटिंग। सो उसको देखते हुए भाई ह्यूंडई ने अब अपनी सारी गाड़ियों को सेव करना शुरू कर दिया है। देखते हैं आगे जब इसका कभी टेस्ट होगा तो पता चलेगा कि भाई गाड़ी में कितना कुछ इम्प्रूव हुआ है और क्या नहीं। ठीक है, और इसमें आपको व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट मिलता है, आपको हिल डिसेंट कंट्रोल मिलता है। ठीक है, एंड एक दो चीज़ें और है, जैसे कि सीट हाइट एडजस्टमेंट, ये आपको अब फीचर मैग्ना मॉडल से ही देखने को मिल जाएगा। मैग्ना मतलब एरा, मैग्ना, स्पोर्ट्स एयर, एस्टा, लेकिन अब मैग्ना मॉडल से ही सीट हाइट एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको और भी डिटेल में जाना है, देन आई विल क्या मतलब पुट डाउन द ब्रोशर, कंप्लीट ब्रोशर ऑफ द ह्यूंडई ग्रैंडेट एंड नियोस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ जाके आप उसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ह्यूंडई की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, तो मैं वो चीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर मेरी बात पर उतना भरोसा नहीं हो रहा तो आप खुद जाके देख लीजिएगा, कई सारी नई नई चीज़ें अब एड ऑन कर दी गई है। ठीक है ना, और वायरलेस चार्जर आ गया है, ऑन न्यू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है, और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मैग्ना से एस्टा तक बिल्कुल सेम मिलेगा। मतलब बेस मॉडल में तो कुछ नहीं आता खास, लेकिन मैग्ना से लेके टॉप मॉडल, मतलब टॉप में जो मिलता है वो मैग्ना से ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सो वैल्यू फॉर मनी मॉडल से हम बोलूँगा मैग्ना या स्पोर्ट्स होंगे, और बाकी गाड़ी अच्छी है, लेकिन लोग आजकल हैचबैक की जगह प्रीमियम हैचबैक की तरफ ज़्यादा भागते हैं, या इवन कॉम्पैक्ट एसयूवीज या फिर सेडान्स की तरफ, जो सी सेगमेंट सेडान्स होते हैं लाइक वर्टिस, लाविया, सियास, सिटी, तो उन तब की जाते हैं। इवन कॉम्पैक्ट एसयूवीज का भी क्रेज़ आजकल बहुत ज़्यादा है, तो हैचबैक्स की जो मार्केट है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। सो बजट वाली हैचबैक्स और इवन जो रेगुलर हैचबैक्स हैं जिनकी प्राइस 7-8 लाख के आसपास है या 5-8 लाख के बीच के ब्रैकेट में आते हैं, उनके आजकल थोड़ी सी बोलते हैं ना चाल चलन थोड़ी कम हो गई, लेकिन ग्रैंडेट एंड नियोस ने अपनी पकड़ अच्छी बना रखी है इन द मार्केट। सो इस गाड़ी के लो तो भाई कोई भी ना नहीं करेगा। ठीक है ना, सो मुझे पसंद है, जब ये गाड़ी 2019 में आई थी तब इस गाड़ी में मैंने बोला था बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी, कुछ चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन गाड़ी ओवरऑल देखे तो एक डिसेंट पैकेज है फॉर अ फैमिली ऑफ 4 टू 5 पीपल, एक अच्छी गाड़ी है। ठीक है ना, आपके सारे नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से फुलफिल करेगी। अब देखिए टेक्नोलॉजी में क्या आपके पास, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, ABS प्लस EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, सब कुछ, ब्रेक असिस्ट, ये सब मिल जाता है आपको। ठीक है ना, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिल जाता है भाई,
ठीक है, एंड्रॉयड एप्पल का प्ले वाला ब्लूटूथ एफएम रेडियो वाला सब कुछ आपको मिल जाएगा, ऑक्स यूएसबी सब कुछ आप लगा के चला सकते हो। लेकिन आपको थोड़ा ये ध्यान रखना होगा कि गाड़ी पहले से अच्छी हुई है इन टर्म्स ऑफ लुक्स, मैं बता देता हूँ, लुक्स में थोड़ी सी अपग्रेड हुई है। हाँ, फॉग लाइट हटा दिया, वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज करती है क्योंकि DRLs का मुझे पर्सनली कोई यूज़ लगता नहीं है। फॉग लाइट्स रहती जो कि पहले वाले मॉडल में आता था अब नहीं आता, तो वो एक कॉस्ट कटिंग कर दिया। अदरवाइज गाड़ी बाकी सब जगह से ठीक है। अलॉय व्हील्स आते हैं आपको स्पोर्ट्स और एस्टा मॉडल में, वो भी अच्छा है, 15 inches अलॉय आते हैं। कलर ऑप्शंस काफ़ी सारी इंट्रोड्यूस कर दिए, मैं स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा कलर्स। आई थिंक एक आया फैंटम ग्रीन कलर विद ब्लैक, मतलब ड्यूल टोन में रेड वाइट एक फैंटम ग्रीन आया, वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग कलर लगा। बाय द वे स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिखेगा तो मैं पूरा कलर पैलेट वाला जो सेक्शन होता है वो मैं आपको दिखा दूँगा, नहीं तो आप ब्रोशर में जाके देख ही लीजिएगा आराम से, ठीक है ना। तो गाड़ी में बहुत कुछ अच्छा दिया है। अब बात करें भाई इंजन की, सेम वही 1.2 लीटर का ही 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आपको मिलेगा, 1 लीटर का आई थिंक टर्बो इंजन शायद आएगा, डीजल इसमें अब नहीं मिलेगा, नॉट इवन इन द i20 एज वेल। सो इसमें मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक दोनों गियर बॉक्स के ऑप्शन मिलेंगे, साथ ही साथ आपको CNG ऑप्शन भी देखने को मिलेगा इन द ग्रैनाइटेड नियोस। सो गाड़ी बिल्कुल फुली लोडेड है आपकी बार, और फैमिली रिक्वायरमेंट्स एंड फैमिली पर्पजेस को ध्यान रखते हैं इस गाड़ी को हमेशा से ही मेन स्ट्रीम सेगमेंट में दिखाई है इन द इंडियन कार मार्केट। सो गाड़ी मेरे नज़र में, अगर मैं बोलूँ मैं कितने स्टार्स देना चाहूँगा इस गाड़ी को, सो आई विल गिव अप्रॉक्सीमेटली 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5, बिकॉज इसमें कुछ चीज़ें अभी भी कमी है, जैसे कि सेफ्टी का भी कुछ भी आता पता नहीं, टेस्टिंग जब तक इस गाड़ी की नहीं होती कुछ भी प्रूवन नहीं पता, मतलब कुछ भी प्रूफ करना अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा। और ओवर प्राइस है इसका टॉप मॉडल, मतलब ऐसा करीबन 9.5-10 तक जाता है, तो वो थोड़ा सा मुझे लिटिल बिट ओवर प्राइस आपको देखने को जरूर लगेगा, और उसके मुकाबले टियागो इससे काफ़ी हद तक एक सस्ते पैकेज के रूप में आ जाते हैं। सो टियागो इसकी एक मेन कट्टर कॉम्पिटिशन वाली गाड़ी है, बाकी और कोई गाड़ी मैं इस सेगमेंट में देखता नहीं। स्विफ्ट भी हालांकि महंगी तो है, लेकिन स्विफ्ट का भी नया जनरेशन मॉडल आने वाला है, सो उसका और इसका दोनों का ही अभी सेम हाल है। टियागो एक बात तो इसके साथ एक ज़बरदस्त कंपटीशन में आती है, एकमात्र गाड़ी है सिर्फ वो भी, ठीक है। सो ये है कुछ बातें अबाउट द ग्रैंड नियोस। फेस लिफ्ट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़े बहुत माइनर चेंजेस करे हैं, कुछ फीचर्स एड ऑन कर दिए, कुछ चीज़ें बढ़ा दी, दैट्स ऑल, बाकी ऐसा कुछ नया कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। गाड़ी वैसे ही है, बॉडी डायमेंशन भी बिल्कुल सेम है, बूट स्पेस भी बिल्कुल सेम है, इंजन भी वही है, कुछ एक दो चीज़ ऐड कर दी, पैसा बढ़ा दिया, नया फेस लिफ्ट तैयार कर दिया, बस इतना ही। सो आप लोग की क्या राय है बताइए बाय राइटिंग डाउन इन द कमेंट सेक्शन अबाउट द Hyundai Grand Neos। बाकी MG Hector का जो वीडियो है, मतलब MG Hector फेस लिफ्ट का वीडियो है, वो भी बहुत जल्द आने वाला है। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल, क्या नाम है, AutoPoint@RamVarma, और फॉलो कर लीजिए ऑन इंस्टाग्राम ऐसे फटाफट से जाके। सो मिलता हूँ नई वीडियो में, इस वीडियो को एंजॉय करिए तब तक आप सब लोग, और हो सके तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, फटाफट से। चलिए मिलता हूँ नई वीडियो में, टिल देन आप लोग अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू सून इन माय न्यू वीडियो, थैंक यू।